नमस्कार, मेरा नाम सपना दिनोदिया है और आज हम अप्लाइड फिजिक्स का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स ऐसे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो लगभग सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम में लिए जाते हैं। ट्रांजिस्टर्स का मुख्य उपयोग एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस में और स्विचिंग एप्लीकेशन में किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स बीजेटी और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स FET। बीजेटी ट्रांजिस्टर्स को आगे दो भागों में बांटा जाता है, NPN और PNP ट्रांजिस्टर, और FET ट्रांजिस्टर्स को भी दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स MOSFET। प्रत्येक ट्रांजिस्टर्स में तीन लीड्स होती हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। कलेक्टर का कार्य करंट को कलेक्ट करने का होता है और एमिटर का कार्य करंट को एमिट करने का होता है, और बेस जो है वो कलेक्टर और एमिटर के बीच का रीजन होता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को हम डोप्ड सेमीकंडक्टर्स द्वारा कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो BJT होते हैं उसमें तीन रीजन्स NPN और PNP होते हैं, और ये तीन रीजन्स जो हैं वो दो PN जंक्शन डायोड द्वारा सेपरेट रहते हैं। इन दो PN जंक्शन को हम बेस एमिटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन नाम देते हैं। इस डायग्राम में ट्रांजिस्टर्स के तीन डॉक्ड रीजन्स को दिखाया गया है, NPN ट्रांजिस्टर्स, और इसमें तीन लीड्स को दिखाया है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। एमिटर जो है वो हैवीली डॉक्ड होता है क्योंकि ये कैरियर्स को एमिट करता है। जो बेस होता है वो पतला होता है और लाइटली डॉक्ड होता है, ये एमिटर से आने वाले जो कैरियर्स है उनको आगे जाने देता है, और जो कलेक्टर होता है वो एमिटर से कम डॉक्ड होता है और कलेक्टर जो है वो आकार में सबसे बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम ट्रांजिस्टर्स को इस सिंबल्स के द्वारा दिखाते हैं। इसमें एक हम सर्कल का काम में लेते हैं और बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन के बीच से जो लीड निकलती है वो बेस होती है, और इस लाइन के एक तरफ एमिटर और दूसरी तरफ कलेक्टर होता है, और ये तीर का निशान है वो एमिटर और बेस के करंट के बीच की करंट की डायरेक्शन को बताता है। अगर ये डायरेक्शन एमिटर से बेस की तरफ होती है तब ये PNP ट्रांजिस्टर्स होता है, और अगर करंट की डायरेक्शन बेस से एमिटर की तरफ होती है तो ये NPN ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर्स की बायसिंग के लिए हमें उसको बैटरी से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ट्रांजिस्टर को वर्क में लेने के लिए हमें उसे उसकी बायसिंग करनी पड़ती है, और इसकी बायसिंग के लिए ये आवश्यक है कि हम इसके बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करें और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करें, जिसे कि हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर्स दिखाया गया है। यहाँ पर इसकी जो जंक्शन बन रही है वो एमिटर बेस जंक्शन है, और इसको फॉरवर्ड बायस किया गया है, N भाग को बैटरी के नेगेटिव से और P भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया है, और यहाँ पर जो दूसरी जंक्शन बन रही है जिसे कि हम कलेक्टर बेस जंक्शन बोलते हैं उसे रिवर्स बायस किया गया है, N भाग को बैटरी के पॉजिटिव से और P भाग को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा गया है। इसकी वर्किंग को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एमिटर और बेस के बीच में हमने एक बैटरी VEB लगाई है। इस VEB के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर N भाग में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एमिटर करंट प्रोड्यूस होती है। N भाग के इलेक्ट्रॉन्स P भाग की ओर गति करने लगते हैं, और चूंकि P भाग में होल्स होते हैं तो N भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन्स P भाग के होल्स द्वारा रिकम्बाइन होकर समाप्त हो जाते हैं, परंतु बेस का आकार बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण N भाग के अधिकांश इलेक्ट्रॉन्स बेस को पार करके जो है कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं। चूंकि बेस में होल की कमी हो जाती है N के रिकम्बाइन होने के कारण, जिसके कारण जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बेस से निकलकर इस VEB बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है, और यहाँ पर बेस करंट का निर्माण होता है। इस प्रकार एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में पहुंचते हैं, जिसके कारण कलेक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो जाती है, इसीलिए कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी VCB बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास IC करंट का निर्माण होता है। अतः इसमें हमें तीन तरीके की करंट मिलती है, एक एमिटर करंट IE, बेस करंट IB और कलेक्टर करंट IC। चूंकि एमिटर और कलेक्टर का आकार लगभग एक समान होता है तो IC और IE की जो वैल्यू है, हालांकि IC की वैल्यू IE से कम होती है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जो बेस करंट है बेस का आकार छोटे होने के कारण बेस करंट जो होती है वो बहुत कम होती है, और इनमें ये रिलेशन होता है कि एमिटर करंट जो है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होती है। इन करंट्स के जो रेशो को हम है वो करंट गेन बोलते हैं। करंट IC और IE के रेशो को हम अल्फा के द्वारा दर्शाते हैं, और जो है करंट IC और IB के रेशो को हम बीटा के द्वारा दर्शाते हैं।
चूंकि आईसी का मान आईई से थोड़ा ही कम होता है, इसीलिए अल्फा की वैल्यू लगभग एक के आसपास होती है, एक से कम होती है परंतु एक के आसपास होती है। चूंकि बीटा में आईसी का मान आईबी के मान से काफी अधिक होता है, इसीलिए बीटा का मान भी एक से बहुत ज्यादा होता है। हम इन रिलेशंस का उपयोग करके आईसी अपॉन आईई बराबर अल्फा एंड आईसी अपॉन आईबी बराबर बीटा और आईसी प्लस आईबी बराबर आईई, तीन इक्वेशंस का हम यूज करके अल्फा और बीटा में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस रिलेशन में अल्फा को बीटा के टर्म्स में लिखा गया है और इस इक्वेशन में बीटा को अल्फा के टर्म्स में लिखा है। इस प्रकार हम हमारे इस टॉपिक में देखते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार कार्य करते हैं। थैंक यू।